और ऑर्थोपेडिक्स के पास
कराएंगे। और जैसे कि हमारा ज्वाइंट पेन, जो भी हमारे कोई ज्वाइंट्स में पेन होता है, आपने सुना होगा कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो मेनली फीमेल्स में सुनते हैं, घुटनों में दर्द हो रहा, नी ज्वाइंट पेन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन हो जाती है, तो मेनली फीमेल में देखने को मिलेगा ये कोई आफ्टर 40 के, अब 40 के एज के आफ्टर में ये ज्वाइंट पेन होने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बोन फ्रैक्चर। जब भी हमारी कोई बोन्स में फ्रैक्चर होता है, कोई भी एक्सीडेंटल केसेस हो गया या कोई पैथोलॉजी हो गई, पैथोलॉजी से क्या होता है कि हमारी जो बोन होती है वो थोड़ा सा वीक होने लगती है, वीक होने की वजह से वहाँ फ्रैक्चर के चांस ज्यादा होते हैं, जैसे थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ा सा गिर गए, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे पेन होने लगता है और फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मीन्स हमारी मसल्स में कोई भी इंजरी होती है, एंड जब भी हमारी मसल्स डिसयूज हो जाए, अपना काम फंक्शन सही से नहीं करती है, मीन्स जल्दी हमें प्लास्टर कभी लगा होता है, यहाँ पे हमारी रेडियस लास्ट में कोई फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे प्लास्टर लगा देते हैं, और स्प्रिंग से ऐसे एक रेस्ट पोजिशन में उसे देखे, कम से कम 1 महीने के लिए हमें उसे पोजिशन में रखना पड़ता है अपने हाथ को, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ की मसल्स होती है वो डिसयूज होने लगती है, वो अपना फंक्शन होता है भूलने लगती है, तो इसमें क्या होता है, जो जो हमारे टिश्यूज में उनमें इंजरी होती है, इसकी वजह से ऐसा होने लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैक पेन। कभी कभी आपने सुना होगा बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, झुकने में प्रॉब्लम होती है, खड़े होने में, सीधा बैठने में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पेन होने लगता है, तो उसमें हम ऑर्थोपेडिस्ट से ठीक कराएंगे उसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्साइटिस। बर्साइटिस क्या होता है, जब भी हमारी कोई बर्सा, यानी कि जो हमारे बर्सा प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, यानी कि उनमें थोड़ा सा फ्लूइड होता है, वो फिल्ड होने लगता है, फ्लूइड फिल्ड पैड होने लगता है, तो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो मोस्टली कॉमनली शोल्डर जॉइंट में देखने को मिलता है बर्साइटिस, तो इसमें हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिस्ट के पास के लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम यानी कि जो हमारी नर्व होती है वो कंप्रेस होने लगती है, तो उसमें हम ऑर्थोपेडिक्स में स्टडी इनकी करेंगे और ऑर्थोपेडिक्स इसका ट्रीट कराएंगे। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट इंजरी है। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में कभी इंजरी हो जाती है, स्पोर्ट जो प्लेयर्स होते हैं उनमें कोई इंजरी हो जाती है, तो उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, तो वो तुरंत ही उस एरिया को इजिलेट करते हैं, उस एरिया को एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पे चोट लगी हुई है, क्या प्रॉब्लम है, देखा हो कभी कोल्ड का अप्लाई करते हैं, कभी हॉट पैड का अप्लाई करते हैं, तो उनमें हम इन चीज़ों के जो डिजीज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो हम ऑर्थोपेडिक्स में इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है लिगामेंट एंड टेंडन्स। लिगामेंट एंड टेंडन्स यानी कि हमारे लिगामेंट में कोई इंजरी हो गई, कोई पार्ट टेनिस हो गया तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और टेंडन्स में स्प्रेन स्ट्रेन हो गया तो हम इसमें ऑर्थोपेडिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जब भी हमने देखा होगा लोगों को बोलते हैं हमारे शोल्डर पेन है, नेक पेन है, हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं इंजरी हो गई, तो हम ऑर्थोपेडिक्स में स्टडी करेंगे, कैसे बोन का, कैसे बोन अपना फॉर्मेशन करती है, कैसे हमें कोई भी फ्रैक्चर होता है उसे ट्रीट करना होता है, वो सारा कुछ हम ऑर्थोपेडिक्स में स्टडी करने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक।